16 सितंबर को थाना बारादरी क्षेत्र में लूट हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड पीड़ित का कार ड्राइवर बबलू निकला। इस ड्राइवर ने तीन लोगों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। इस लूट का खुलासा तब हुआ जब ये लुटेरे सैदाना रेलवे ग्राउंड में लूट की रैंकिंग कर रहे थे और ये एक और लूट को अंजाम देते। इससे पहले मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर इस लूट का खुलासा किया। लूट के माल को खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इन शातिर लुटेरों ने बताया कि शमशेर नाम का युवक थाना इज्जत नगर का रहने वाला है, वो भी इस लूट में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। 16 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे जरी कारीगर रबड़ी टोला थाना बरादरी के घर में 3-4 बदमाश घुस आए थे और परिवार को बंधक बनाकर इस लूट को अंजाम दिया था, जिसका आज खुलासा हो गया और पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16/9/2021 को मोहल्ला सहदाना थाना बारादरी के अंतर्गत में रात्रि के लगभग 10:30 बजे 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में वादी के तहरीर पर थाना बारादरी के 392 IPC का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और इस घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगा दी गई थी। टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा था। आज सहदाना रेलवे ग्राउंड के पास से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग चोरी का योजना बना रहे थे। उनके कब्जे से हमें अवैध असलहे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उनसे जब गहन पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बात स्वीकार किया गया कि थाना बारादरी के अंतर्गत में जो 392 IPC सहदाना मोहल्ला में जो घटना हुई थी उन्होंने कार्य की थी। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हमने जो लूटपाट की थी उसका जो माल जो है हमने एक व्यक्ति को बेचा है, उस व्यक्ति को भी हमने हिरासत में ले लिया है, उससे भी पूछताछ हम जारी है। इसके बाद ये जो तीन लोग जो हमें बरामद हुए पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की गई कि और कौन लोग इसमें शामिल है, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति है जो शमशेर है, थाना इज्जत नगर क्षेत्र का रहने वाला है, वो भी हमारे साथ था। उसी गिरफ्तारी के लिए भी हम टीमें लगा दी, उसको भी हम गिरफ्तार करें। सर, इस घटना के सूत्र कहाँ से जुड़े? इसमें जो एक व्यक्ति हैं इशरत उर्फ बबलू, ये व्यक्ति जो वादी राशिद हैं, इनके पिताजी की कार चलाते थे आज से लगभग 4 महीने पहले। इन्होंने लगभग 3 महीने तक इनकी ड्राइवरी करी और चूंकि ये उनके ड्राइवर थे तो आसपास के पूरे मोहल्ले की भौगोलिक स्थिति, परिवार की स्थिति और ये जो व्यक्ति वादी हैं कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे दुकान बंद करते हैं और उस मोहल्ले में कौन सी रोड कहाँ जाती है, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं, इत्यादि सबकी जानकारी थी। तो इस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को पारित करने में अपना महूल योगदान दिया गया और अन्य व्यक्तियों के साथ जो इसके वादी हैं, अन्य व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त हैं, इसके पड़ोसी हैं, उन सबों ने मिलकर इस घटना को पारित किया।